आज हम लोग बनाने वाले आलू टिक्की बर्गर और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामानों के साथ आप घर पे बहुत ही टेस्टी सा आलू टिक्की बर्गर बना के तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है 1/2 कप। अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप हरा वटाना। और अब हरे वटाने के साथ ही साथ मैं इधर बारीक चॉप किया हुआ गाजर भी यूज़ करूँगा, ये भी 1 कप है। इसे भी इसमें ऐड करके इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हमें इसे भून लेना है। अगर आप और कोई सब्जी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून कूटा हुआ अदरक और गार्लिक इसमें ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं जीरा भी ऐड करूँगा। अब इसे थोड़ा सा हमें अच्छे से भून लेना है, पूरी सब्जियों को अच्छे से हमें इधर पका लेना है जब तक कि ये पूरा जो वटाना है वो पक ना जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगा थोड़ी सी हल्दी और फिर उसके बाद 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे गरम मसाला का भी इस्तेमाल करूँगा और 2 से 3 चुटकी हींग की। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें इन मसालों को हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं तम थोड़ा सा। मसाला हमारा भून के हो चुका है, अब टाइम है इसमें बॉयल्ड पोटैटो ऐड करने का, जिसे मैंने पहले से मैश करके रखा था। थोड़ा टाइम पहले से मैश करने से ये थोड़ा टाइट रहता है, सॉफ्ट नहीं रहेगा जैसा हमें चाहिए, तो इसे भी ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले इसी स्टेज में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड कर लूँगा एंड उसके बाद हमें अच्छे से इस पोटैटो को पूरा मिक्स कर लेना है हमारे वेजेस के साथ और बस ये हमारा टिक्की का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक लिजाम तैयार करना है, वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 कप मैदा इस्तेमाल करूँगा और 1 कप जो कॉर्नफ्लावर का आटा होता है उसका भी इस्तेमाल करना है हमें। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बनाना है। ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा जाड़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो देखिए आपको इस कुछ इस टाइप का बनाना है, आप देख सकते हैं बहुत जाड़ा भी नहीं है और एकदम से पतला भी नहीं है, तो इतना थिकनेस एकदम बरोबर है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी बना के रखे हैं जो मैंने ब्रेड को पीस के बनाया है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा ये लिजाम भी तैयार है और ब्रेड क्रम तो है ही, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आगे आपको क्या करना है। अब हमने जो अपने आलू टिक्की के लिए बेस बनाया था आलू का, उस बेस को लेना है और थोड़ा सा ऑयल भी ले लेना है हाथ को ग्रीस करने के लिए, ताकि जो हमारे हाथ में ये आलू चिपके ना। तो हाथ को एक बार ग्रीस कर लेना है, उसके बाद आपको जितनी बड़ी पेटीज बनानी है उतना आपको आलू ले लेना है इसमें से और हाथों से अच्छे से दबा दबा के इस तरह की आपको पेटी बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेटीज बनी है, तो मैं आपको एक और पेटीज बना के दिखाता हूँ। बस ध्यान रखिएगा कि इसे थोड़ा हाथों से अच्छे से दबा के बनाइएगा ताकि ये बाद में खुले ना, तो जितना टाइट रहेगा उतना आप इसे हैंडल कर पाएंगे और आपको इसे जो कोटिंग करना है हमें इसको ब्रेड क्रम्स की, वो भी अच्छे से हो पाएगी। तो टिक्की हमारी अच्छे से बन चुकी है दोनों भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो हमने सबसे पहले लिजाम जो हमने बनाया था उसमें इस तरह से डिप कर लेना है और एक हाथ से, और दूसरे हाथ से इसे ब्रेड क्रम लगाना है। एक ही हाथ इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना पूरा मैश हो जाएगा और आप सही से इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अलग अलग हाथ का इस्तेमाल कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह इसे डिप करना है और ब्रेड क्रम पर डाल के इसको ब्रेड क्रम डाल दीजिएगा और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये अच्छे से पकड़ लेगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से कोट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से ब्रेड क्रम जो है वो हमारी टिक्की के साथ चिपक चुका है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं से ये थोड़ा सा छूट चुका है तो आप थोड़ा सा ऊपर से डाल के इस तरह हाथों से दबा सकते हो और आपका जो टिक्की है पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह मैं सबको टिक्की को कोट कर लूँगा, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आलू टिक्की को फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद हमने जो टिक्कीज बनाई थी उन टिक्की को संभाल के इसमें ऐड कर लेना है और जो आपका फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम हो, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो मत कीजिए, थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो भी चलेगा। एंड उसके बाद 2 मिनट बाद आप इसे टिक्की को पलट सकते हैं और एक बार आपका टिक्की अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए जैसे कि मेरा हो चुका है आप इसे निकाल सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी रहता है, बहुत ही लंबे समय तक रहेगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरह जो टिक्की मैंने पकाया है सारी टिक्की को हम पका लेते हैं। टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है, बर्गर बन को भी थोड़ा सेक लेना है, जिसके लिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्गर बन को कट कर लिया है बीच में से, उसे हमें इस तरह प्लेस कर लेना है। मैं एक बार में 4 बन यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से सिक पाए और आप देख सकते हैं अभी अच्छे से सिक चुका है, कैसे रेड रेड मार्क आ चुका है नीचे। तो हम 4 बन को बाहर निकाल लेंगे पैन में से। चलिए मैं आपको एक स्पेशल सलाद दिखाता हूँ बर्गर में ऐड करने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे पत्ता गोभी का इस्तेमाल करूँगा। ये ऐसा स्लाइस काटा हुआ, ये 2 कप पत्ता गोभी है और 1 कप मैं यहाँ पे अनियन में यूज़ करूँगा स्लाइस किया हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं 1 कप ही
टमाटर भी ऐड करूँगा, वो भी ऐसा लंबा लंबा मैंने स्लाइस किया है। एंड टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये भी एक कप ही इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ करूँगा, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे तंदूरी मेयो बना के रखा था, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा। ये 2 कप मेयो है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप सभी इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको इसका रेसिपी बता दूंगा। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा ये स्पेशल जो सलाद है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद रेडी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट भी करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बर्गर की तरफ। तो बस अब बर्गर को असेंबल करना है और जो हमारा बर्गर है वो खाने के लिए पूरा तैयार रहेगा। तो बन हमने जो सेका था बन ले लेना है, उसका जो हमने सलाद बनाया था स्पेशल वाला उस सलाद को इसके ऊपर प्लेस कर लेना है एकदम अच्छे से ताकि इसका बहुत अच्छा स्वाद आए। और उसके बाद जो हमने टिक्की बनाई थी आलू की उस टिक्की को इसके ऊपर रख लेना है और चीज़ अगर आपको पसंद है तो वो ऐड कर लेना है। हमारा बर्गर जो है पूरी तरह तैयार हो जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।